नमस्कार, माय सेल्फ मलिका परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। आज हम एलएलबी सेकंड ईयर के सब्जेक्ट इंटरनेशनल लॉ में सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ पढ़ेंगे। जैसा कि नेट का एग्जाम आने वाला है, नेट के एग्जाम में इंटरनेशनल लॉ में सोर्सेस पूछे जाते हैं कि ये सोर्सेस कौन से, प्रधान मेन सोर्सेस कौन से हैं और गौण स्रोत कौन से माने जाते हैं। आज हम इंटरनेशनल लॉ में सोर्सेस देखते हैं कि सोर्सेस होते क्या हैं। सबसे पहले स्टार्क कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय विधि में स्रोत उस वास्तविक सामग्री को कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय विधि में स्रोत उस वास्तविक सामग्री से को कहते हैं या उन तरीकों या उन सामग्री को कहते हैं जिनके द्वारा अंतरराष्ट्रीय विधि का निर्माण होता है। यानी वो सोर्सेज क्या है, वो सामग्री या वो स्रोत हैं जिनके द्वारा इंटरनेशनल लॉ की उत्पत्ति होती है, अंतरराष्ट्रीय विधि बनती है। तो क्या अंतरराष्ट्रीय विधि के स्रोत, सोर्सेज और आधार क्या एक ही माने जाते हैं क्या? नहीं, अंतरराष्ट्रीय विधि के आधार अलग हैं, जैसे जो हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे, और स्रोत अलग माने जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ हमने देखा था, यानी अंतरराष्ट्रीय विधि के आधार क्या होते हैं। मेन आधार राज्यों की सामान्य सहमति होती है जिनके द्वारा इंटरनेशनल लॉ बनती है, जबकि अंतरराष्ट्रीय विधि के स्रोत क्या होते हैं या उनका यूज कब लिया जाता है, कब देखा जाता है कि ये अंतरराष्ट्रीय विधि का स्रोत है या नहीं। तो जब भी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के सामने कोई इंटरनेशनल विवाद आता है, डिस्प्यूट आता है, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय सोर्सेस को देखती है, यानी उन तरीकों को देखती है, उन नियमों को देखती है जिनके द्वारा अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय निपटा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जी फिटज मारिस के अनुसार जो सोर्सेज होते हैं, साधारण सोर्स के प्रकार बताए हैं, स्रोत के प्रकार होते हैं कि सामग्री यानी सोर्सेज के भी प्रकार होते हैं। यहाँ इंटरनेशनल सोर्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ जनरल सोर्सेज क्या किस प्रकार के हो सकते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, सार्वर स्रोत और औपचारिक स्रोत। सार्वर स्रोत क्या होते हैं? सार्वर स्रोत उन तथ्यों का समूह है या उस सामग्री को कहते हैं जिनसे विधि बनती है, जिनसे विधि का निर्माण होता है, जिनसे विधि निर्मित होती है, यानी जिनके द्वारा विषय वस्तु को, जिनके द्वारा विधि को विषय वस्तु प्राप्त होती है। यानी सार्वांश स्रोत कौन से होते हैं? उन तथ्यों को या उस सामग्री को कहते हैं जिनसे विधि बनती है या विधि को विषय वस्तु प्राप्त होती है। नेक्स्ट आता है औपचारिक स्रोत। औपचारिक स्रोत उन तथ्यों या उन कार्यों को कहते हैं, उन तथ्यों या उन कार्यों के समूह को कहते हैं जिनसे विधि अपनी वैधता प्राप्त करती है। तो अंतर समझ आया? सार्वर स्रोत में तो क्या है, जिन तथ्यों से विधि का निर्माण होता है, और औपचारिक स्रोत में जिन उन तथ्यों या उन कार्यों का समूह है जिनसे विधि अपनी वैधता, लीगलिटी प्राप्त करती है। ठीक है, अब आता है अंतरराष्ट्रीय विधि के स्रोत, सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इसको हम दो भागों में बांटते हैं, प्रधान स्रोत और गौण स्रोत। गौण स्रोत यानी
है जिनका बहुत कम मात्रा में यूज होता है, जिनको बहुत कम महत्व दिया जाता है। लेकिन प्रधान स्रोत ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्रोत है जिनके द्वारा इंटरनेशनल लॉ अंतरराष्ट्रीय विधि का निर्माण होता है। तो ये सोर्स बताए कहाँ पे है, प्रधान स्रोत कहाँ पे बताए हैं? न्याय के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, न्याय के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के चार्टर के अनुच्छेद आर्टिकल अनुच्छेद 38 के सब क्लोज 1 में 38 न्याय के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की समिति यानी के चार्टर के आर्टिकल 38 के फर्स्ट क्लोज में ये सोर्स बताए हुए हैं कि ये अंतरराष्ट्रीय विधि के प्रमुख या मेन सोर्सेज हैं, जिसमें आर्टिकल 38 के सब क्लोज 1 में ये 6 सोर्स बताए हैं, जिनमें से प्रमुख स्रोत वो किसको मानते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इनको गौण स्रोत माना गया है। ठीक है, यहाँ पर तीन को तो अनुच्छेद 38 के सब क्लोज 1 के अनुसार अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, अंतरराष्ट्रीय प्रथाएं और सभ्य राज्यों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांतों को ही मेन सोर्स माना गया है। इसके अलावा ये जो डिसीजन है या फोर्थ फिफ्थ सिक्स है, इनको वो गौण स्रोत मानते हैं। ठीक है, फिर आता है कि सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांत या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों के निर्णय यानी सोर्स नंबर 3 और सोर्स नंबर 6 की उत्पत्ति कब हुई थी, क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है। तो इनकी उत्पत्ति 20वीं शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? 20वीं शताब्दी में। सोर्स नंबर 3 और 6 इनकी उत्पत्ति कब हुई थी? 20वीं शताब्दी में हुई थी, यानी इसको मेन सोर्स में 20वीं शताब्दी में इंक्लूड किया गया था। अब आता है अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, इंटरनेशनल कन्वेंशन क्या होते हैं? इंटरनेशनल कन्वेंशन या अंतरराष्ट्रीय अभिसमय दो या दो से अधिक राष्ट्रों के द्वारा आपस में की गई वो संधियां हैं, ट्रीटीज हैं, या जो वो अभिसमय या जो एक दूसरे से संधियां करते हैं वो इसमें शामिल आती है। तो अंतरराष्ट्रीय अभिसमय अनुच्छेद 38 में फर्स्ट या मेन जो स्रोत बताया गया है वो अंतरराष्ट्रीय अभिसमय यानी अंतरराष्ट्रीय विधि का निर्माण करने में सर्वप्रथम भूमिका किसकी आती है? अंतरराष्ट्रीय अभिसमय की आती, यानी दो या दो से अधिक राष्ट्रों के द्वारा आपस में जो संधियां तय की जाती है वो क्या बनती है? वो संधियां ही अंतरराष्ट्रीय विधि का प्रमुख स्रोत मानी जाती है। ये तो न्याय के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अनुच्छेद 38 के फर्स्ट क्लोज में कहा गया। इसके साथ में ही वियना अभिसमय आया, वियना अभिसमय 1969 जो संधियों से संबंधित था, यानी ये जो वियना का अभिसमय था, कन्वेंशन था, इसमें सिर्फ संधियां कैसे की जाती है, संधि वैधता कैसे प्राप्त की जाती है, संधियों के प्रकार, ये संधियों से संबंधित कन्वेंशन था। तो जो भी राष्ट्र पक्षकार इसका बनता था वियना अभिसमय 1969 का, उसे वो क्या माना जाता था? ये माना जाता था कि उसने अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन को वैधता प्राप्त प्रदान कर दी है। ठीक है, अब आता है कि जो संधियां होती है वो कैसे होनी चाहिए, यानी वो जो पक्षकार, जो राष्ट्र
पक्षकार हो रहे हैं, वो जो एग्रीमेंट कर रहे हैं उस एग्रीमेंट में विधिक बल होना चाहिए, यानी विधि द्वारा इन्फोर्सेबल होनी चाहिए, लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल होनी चाहिए। इसके साथ में ही वो वियना अधिनियम 1969 के प्रावधानों को पूर्ण करने वाला संधियां होनी चाहिए। अब आता है इंटरनेशनल कन्वेंशन के प्रकार, यानी संधियां कितने प्रकार की हो सकती है। तो संधियों को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट आता है विधि निर्माण करने वाली संधियां, सेकंड आता है संविदा संधियां। तो विधि निर्माण करने वाली संधियां कौन सी संधियां होती, कि ऐसी संधियां जो दो या दो से अधिक राष्ट्र करते हैं, ऐसे ट्रीटीज करते हैं जिनसे नई विधि का निर्माण हो जाता है, या कोई ऐसा नियम या ऐसा रूल रेगुलेशन निर्मित हो जाता है जिनसे विधि, इंटरनेशनल विधि या राज्य की विधि, लोकल विधि का निर्माण होता है, यानी उन संधियों में वैधता होती है, उन संधियों में लीगलिटी होती है। ठीक है, तो वो होती है विधि निर्माण करने वाली संधियां। अब विधि निर्माण करने वाली संधियां भी दो प्रकार की होती है। फर्स्ट आता है इसमें विधि निर्माण करने वाली में सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का निर्माण करने वाली संधियां, सार्वभौमिक विधि सिद्धांतों का निर्माण करने वाली संधियां, यानी ऐसी संधियां जो सब पर सामान्य रूप से लागू की जा सके, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघी संधि, यानी जो फर्स्ट मौलिक जो सदस्य 51 जो देश थे, यूएनओ के चार्टर पे 51 देश मौलिक देश थे जिन्होंने सिग्नेचर किया था यूएनओ के चार्टर पे, यानी यूएनओ की जो संधि हुई थी उसमें मौलिक 51 देशों ने सिग्नेचर किया था, तो वो संधि क्या है, सार्वभौमिक विधि का निर्माण करने वाली संधि हुई, यानी जो भी अब यूएनओ के मेंबर बनेंगे उन्हें उस यूएनओ चार्टर यानी उस संधि के नियमों का पालन करना होगा। सेकंड आती है सामान्य सिद्धांतों का निर्माण करने वाली, सामान्य सिद्धांतों का निर्माण करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधि, यानी कुछ देश दो या दो से अधिक देशों के बीच में या दो देशों के बीच में ऐसी कोई संधि होती है जो सामान्य विधि के नियमों का निर्माण कर दे, यानी वो किस पर अप्लाई होंगे, वो सिर्फ उन देशों पर ही अप्लाई होंगे या वो विधि उन्हीं पर बाध्यकारी होगी जिन पक्षकारों ने वो संधि की है, या वो कोई ऐसे सामान्य विधि का निर्माण कर दे, कोई संधि सामान्य विधि का निर्माण कर दे। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे वियना अधिनियम बताया मैंने, संधियों से संबंधित जनवद अधिनियम है, प्रत्यर्पण से संबंधित अधिनियम है, और इसके साथ में ही इसमें आता है जिनेवा का अधिनियम है, हेग का अधिनियम है। इन अधिनियमों में क्या है, विधि के सामान्य सिद्धांतों या सामान्य नियमों, विसामान्य विधि बनी है, वो सार्वभौमिक नहीं है, वो सिर्फ सामान्य संधि विधि का निर्माण करने वाली ये संधियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है संविदा संधियां, संविदा ट्रीटीज कन्वेंशन कॉन्ट्रैक्ट, ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट ऐसे संविदा संधियां, यानी जो पक्षकार का, जो राष्ट्र पक्षकार, यहाँ पर जैसे भारत और अमेरिका ने कोई संधि की है, तो उस संधि से सिर्फ भारत और अमेरिका जिन्होंने संधि की है, जो संधि के पक्षकार हुए हैं, वही पक्षकार बाध्य होंगे
दूसरे पक्ष का, दूसरे अदर जो कंट्रीज हैं वो उस संधि से बाध्य नहीं होगी। यानी कॉन्ट्रैक्ट संधियां जो संविदा कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं अपन, जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो दो पक्षकार जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसी पर लागू होगा, अप्लाई होगा। उसके अलावा थर्ड पर्सन इसमें कुछ भी इन्वॉल्व नहीं हो सकता या उससे अप्लाई नहीं किया जा सकता। ये द्विपक्षीय संधियां होती हैं, ये द्विपक्षीय संधियां ही होती, ये सार्वभौमिक नहीं होती, थर्ड पर्सन इसमें नहीं आता। जैसे भारत और अमेरिका ने कोई संधि करी, भारत और चाइना ने कोई संधि करी, भारत या इंग्लैंड ने कोई संधि करी, या भारत या फ्रांस ने कोई संधि की, तो जिन पक्षकारों ने आपस में संधि की है वो संधि उन्हीं पर लागू होगी। कॉन्ट्रैक्ट की जो आवश्यक तत्व होते हैं, संविदा के निर्माण के जो आवश्यक तत्व होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर भी होने आवश्यक है। अगर कोई राष्ट्र बिना स्वतंत्र सहमति के कोई संधि करता है तो वो संधि वैध नहीं होती, वो लागू नहीं करवाई जा सकती है। तो सामान्य संधियां क्या होती है, जैसे जिनेवा, जिनेवा के अभिसमय में क्या हुआ, सामान्य विधि का निर्माण हो गया कि जो स्वतंत्र देश है वो युद्ध के ऐसे युद्ध में जो स्वतंत्र देश है या जो जहाज, जिस जहाज पे किसी भी देश का झंडा नहीं लगा हुआ हो तो वो स्वतंत्र देश माना जाता है, या वो जहाज स्वतंत्र देश का माना जाता है। और उस बिना झंडे वाले जहाज पर रखा गया माल भी स्वतंत्र माना जाता है, ठीक है। तो ये हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ के मध्य, संयुक्त राष्ट्र संघ के देशों के मध्य हुई थी कि युद्ध के समय अगर कोई खुले समुद्र पे कोई ऐसा जहाज है जिसपे किसी भी देश का झंडा नहीं लगा हुआ तो वो जहाज स्वतंत्र जहाज माना जाएगा, और उसपे रखा गया माल भी स्वतंत्र माल माना जाएगा। उस पर अंतर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य नियम बन चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं, इंटरनेशनल कस्टम्स। अब अगर न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सामने अगर कोई विवाद आता है और उस विवाद के कोई उस विवाद की विषय वस्तु से संबंधित कोई अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय नहीं है, यानी न्यायालय के सामने कोई कन्वेंशन उस विषय वस्तु से रिलेटेड नहीं है, तो न्यायालय क्या देखेगा, उससे संबंधित कोई कस्टम है या इंटरनेशनल कस्टम है या नहीं है वो देखेगा। तो प्रथा होती क्या है, प्रथा अंतर्राष्ट्रीय प्रथा बाद में देखेंगे, पहले देखें प्रथा क्या होती है। तो प्रथा एक चलन का अंतिम छोर है, यानी कोई राष्ट्र या कोई व्यक्ति या कई व्यक्ति एक जैसा आचरण करते रहते हैं, पहले वो क्या है आचरण या व्यवहार, आचरण बनता है, आचरण या व्यवहार करता है एक जैसा, एक जैसी परिस्थितियां होगा, ए भी वैसा ही आचरण कर रहा है, बी भी वैसा ही व्यवहार कर रहा है, सी भी सेम परिस्थितियां हैं, और कई व्यक्ति एक जैसा ही व्यवहार या आचरण करता है तो वो व्यवहार आगे जाके क्या बनता है, चलन बन जाता है, ठीक है। व्यवहार या आचरण क्या बनता है, आगे जाके चलन बनता है, यानी ऐसा हमारे जमाने में चलन था, ठीक है। आगे जाके वो चलन क्या बन जाती है, प्रथा बन जाती है, कस्टम बन जाता है। तो स्टार्क ने कहा है कि चलन प्रथा की प्रारंभिक स्थिति है, जहां चलन है तो माना जाएगा ये प्रथा की प्रारंभिक स्थिति या प्रारंभिक चरण है, और चलन का अंतिम चरण क्या होगा, प्रथा होगी, ठीक है। वाइनर स्टार्क ने कहा है
कि जलन को क्या है? प्रथा का प्रारंभिक चरण या चरण है या प्रारंभिक स्थिति है। नेक्स्ट आता है वाइनर। वाइनर वाइनर कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय प्रथा क्या है या कोई अंतरराष्ट्रीय कस्टम इंटरनेशनल कस्टम क्या है। तो वाइनर कहते हैं कि प्रथा एक ऐसा चलन है, प्रथा एक ऐसा चलन है जिसको विधि द्वारा शक्ति प्राप्त हो गई है। प्रथा एक ऐसा चलन है जिसको विधि द्वारा शक्ति प्राप्त हो गई है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय प्रथाएं भी महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय प्रथा में प्रथा होने के लिए उसने क्या गुण होने चाहिए? तो प्रथा की जो सामान्य विशेषताएं हैं वही यहाँ पर भी देखते हैं। सबसे पहले उसमें प्राचीनता होनी चाहिए, उसमें निरंतरता होनी चाहिए, युक्तियुक्तता होनी चाहिए, लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, उसमें विधिक बल होना चाहिए। ये होती है प्रथा की विशेषता। यानी क्या है, उसमें निश्चित होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए, प्राचीनता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 साल आप एक चीज का आचरण करें और अगले 5 साल उसका प्रयोग नहीं करें, फिर कहते 5 साल बाद कि नहीं हमारी तो ये ऐसी प्रथा थी या ऐसा हम चलन अपनाते थे। ऐसा नहीं, वो प्रथा नहीं मानी जाए। प्रथा की विशेषता ये है कि उसने प्राचीनता, निरंतरता, एकरूपता, निश्चितता, लोक नीति के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, अयुक्तियुक्त नहीं होनी चाहिए। अब आता है इंटरनेशनल कस्टम को मान्यता देने वाले 2 केस लॉ हैं। फर्स्ट आता है वेस्ट रेंट एंड गोल्ड माइनिंग का केस। वेस्ट रेंट एंड गोल्ड माइनिंग का केस, इस केस में कहा गया है कि प्रथा क्या है। प्रथा जिसको सामान्य देशों या सामान्य राष्ट्रों द्वारा सामान्य सहमति मिल चुकी हो, कोई भी जिससे कोई भी सभ्य राष्ट्र सहमति या सामान्य स्वीकृति दे चुका हो, वो होती है प्रथा। फिर नेक्स्ट केस लॉ आता है इसमें पुर्तगाल वर्सेस इंडिया, भारत, पुर्तगाल वर्सेस इंडिया। इसमें कहा कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्य एक ही प्रकार का विशेष व्यवहार करें या एक ही आदत को अपनाए, तो दोनों राज्यों की विधि उस आचरण या उस, तो माना जाता है कि उन दोनों ही देशों ने उस प्रथा को बंधनकारी प्रभाव या बल मिल गया है। यानी मान लो कोई ऐसा 2 देश हैं जिनमें विशेष परिस्थिति होने पे वो दोनों ही देश एक ही जैसा आचरण करे या एक ही जैसा व्यवहार करे, तो ये माना जाता है कि उन दोनों ही देशों ने प्रथा को मान्यता, उस प्रथा को मान्यता प्रदान कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है विधि, सॉरी, सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांत। अगर न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सामने कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय विवाद आ जाता है जिस पर ना तो क्या इंटरनेशनल कन्वेंशन है, ना ही इंटरनेशनल कस्टम है, तो अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उस विवाद का समाधान कैसे करेगा? तो वो देखेगा कि सभ्य राष्ट्रों ने ऐसे अगर कोई प्रॉब्लम उनके सामने आती तो वो विधि के कौन से सामान्य सिद्धांतों को अपनाता। तो वही सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांत ही अंतर्राष्ट्रीय विधि का सोर्स बन जाते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देखता है कि राज्य विधि में अगर कोई सभ्य राज्य है और उसके समक्ष ऐसा समस्या आती, तो
तो वो कौन से विधि के सिद्धांत सामान्य विधि के सिद्धांतों को अपनाता। तो अगर उसने जैसे एस्टोपल अपनाया है, रेस जुडिकेटा अपनाया है, इक्विटी अपनाया है, तो इन सिद्धांतों को ही वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय अपनाता और वो अंतरराष्ट्रीय विधि का स्रोत बन जाता है। तो इसमें आप दो चार केस जो है उसको एक बार आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं यहाँ इतना लिख नहीं पाती, इसलिए आपको मैं यहाँ बता देती हूँ कि कुछ ऐसे विधि के सामान्य नियम हैं जिनको सामान्य सभ्य देशों ने अपनाया है या सभ्य राष्ट्रों ने अपने लॉ में अपनाया है। फर्स्ट केस है रेड बनाम कैन, मैं यहाँ लिख नहीं पाऊंगी, इतना बहुत ज्यादा केस है, रेड बनाम कैन। इस केस में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने इक्विटी एंड जस्टिस, इक्विटी जस्टिस एंड कन्वोकेशन को अपनाया, यानी कहा कि अगर कहीं पर कोई विधि नहीं है तो वहां साम्य, इक्विटी और गुड कॉन्शियस को या जस्टिस को मान्यता दी जानी चाहिए। फिर आता है सेकंड केस, संयुक्त राज्य बनाम स्कूनर वर्सेस स्कूनर, दास प्रथा को सभ्य राष्ट्रों ने अनलीगल या अमान्य घोषित किया कि दास प्रथा व्यक्ति के जीवन जीने या उसके गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार के विरुद्ध है, इसलिए दास प्रथा का सभ्य राष्ट्रों ने उल्लंघन किया, उसको अमान्य किया, ठीक है। नेक्स्ट आता है कार्जो फैक्ट्री वाद। इस वाद में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने रेस जुडिकेटा के नियम को लागू किया। कौन सा केस पूछ लिया जाता है नेट के क्वेश्चन में, कार्जो फैक्ट्री वाद में कौन से सिद्धांत को मान्यता मिली, तो रेस जुडिकेटा को, ठीक है, प्रांग न्याय के सिद्धांत को मान्यता मिली। नेक्स्ट आता है मावरो मोटिस का वाद है, इसमें सबरोगेशन प्रत्यास्थापन के सिद्धांत को मान्यता, मावरो मोटिस वाद में किस सिद्धांत को मान्यता मिली, सबरोगेशन यानी प्रत्यास्थापन के सिद्धांत को मान्यता दी गई। नेक्स्ट आता है प्रियह विहर मंदिर, यानी थाईलैंड और कोलंबिया से संबंधित विवाद था, इसमें एस्टोपल सिद्धांत को मान्यता दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एस्टोपल दी गई है प्रिया वह विहर मंदिर, यानी कोलंबिया और थाईलैंड से संबंधित विवाद था, आपस में विवाद था, तो इसमें एस्टोपल के सिद्धांत को मान्यता मिली है। नेक्स्ट आता है बर्सोलिना ट्रैक्शन वाद। इस वाद में भी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने एस्टोपल के सिद्धांत को मान्यता दी है। नेक्स्ट आता है बर्किना फासो वर्सेस माली के वाद में इक्विटी जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस, न्याय साम्य और सद्विवेक को मान्यता दी, और इसके साथ में ही कहा कि यूएनओ के चार्टर में अंतरिम अनुदोष भी प्रदान किया जा सकता है, यानी बर्किना फासो वर्सेस माली के वाद में कहा गया कि अगर कोई राष्ट्रों के बीच में विवाद चल रहा है तो उसे अनुदोष रिलीफ दिया जाना है, तो इंटरिम रिलीफ भी दिया जा सकता है। तो ये कुछ सामान्य
विधि के सिद्धांत थे जिन्हें सभ्य राष्ट्रों ने स्वीकार किया है। ये प्रमुख स्रोत माने जाते हैं आर्टिकल 38 के सब क्लोज 1 के तहत। अब 38 में गौण स्रोत कौन कौन से माने जाते हैं? फोर्थ आता है न्यायाधिकरणों और न्यायालयों के निर्णय, यानी न्यायालयों या न्यायाधिकरणों के निर्णय। हमने जैसे जुरिस्प्रूडेंस में हम पढ़ते हैं कि न्यायालयों के निर्णय क्या है, उन निर्णयों में कुछ ऐसा बल होता है जो पूर्व निर्णय के रूप में या उदाहरण के रूप में काम में लिया जा सकता है, जिनमें बाध्यकारी बल होता है कि वैसा ही मामला अगर न्यायालय के समक्ष आ जाता है तो वही नियम उस पर भी अप्लाई किया जाएगा। तो न्यायाधिकरण और न्यायालय के निर्णय में सबसे पहले न्यायालय क्या देखता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने ही अगर कोई पहले निर्णय दिया है, वैसा ही फैक्ट, वैसा ही मामला, वही पक्षकार दोबारा आते हैं तो न्यायालय वैसा ही निर्णय दे सकता। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अपने निर्णय से बाउंड है क्या कि एक बार उसने निर्णय दे दिया तो बाद में क्या वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्वयं के निर्णय को उलट नहीं सकता? पलट सकता है। जैसे भारत में सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य में जो डिसीजन दिया, उस डिसीजन को कहां पे पलटा? केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य में उलट दिया गया। वैसे ही न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्वयं के द्वारा दिए गए निर्णयों से बाउंड नहीं है, बाध्य नहीं है। परिस्थितियां अगर चेंज होती है तो न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अपने निर्णय को पलट सकता है। फिर राज्य के न्यायालयों के निर्णय भी देखे जाते हैं। कई बार राज्यों यानी राष्ट्रों के न्यायालय भी कोई ऐसा निर्णय या कोई ऐसे विधि का सिद्धांत प्रतिपादित कर देते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय विधि में स्रोत के रूप में काम में लिया जा सकता है। फिर आता है नेक्स्ट फिफ्थ स्रोत, विधि शास्त्रियों तथा भाष्यकारों की रचनाएं। अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष कोई ऐसा विवाद आता है जिसपे इन चारों का से समाधान नहीं निकल पाता तो न्यायालय क्या करता है? फिर विधि शास्त्रियों और भाष्यकारों की रचनाओं का सहारा ले सकता है। ये गौण स्रोत है, प्रधान स्रोत में नहीं इंक्लूड माना जाता है, ये गौण स्रोत है। ठीक है, पॉकेट हवाना, हवाना पॉकेट हवाना के बाद में न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश ग्रे, मुख्य न्यायाधीश ग्रे ने कहा कि अगर न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को समस्या का समाधान इन स्रोतों में नहीं मिले तो वो विधि शास्त्रियों और भाष्यकारों की लिखी गई रचनाओं या उनके द्वारा जो निबंध या जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनका सहारा ले सकता है। वो हवा में बात नहीं की हुई, उन्होंने वर्षों तक परिश्रम करके कठोर कंक्लूजन, निष्कर्ष निकाल के अपनी रचना में अपने शास्त्र में लिखा है तो उसका उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों के निर्णय। हमने न्यायालयों के निर्णय देखे, न्यायाधिकरणों के निर्णय देखे, न्यायाधिकरणों सॉरी इसमें एक में भूल गई, इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल के द्वारा भी अगर कोई निर्णय लिया जाता है और उसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय विवाद है और उसका समाधान आर्बिट्रेशन मध्यस्थता के द्वारा किया जाता है तो उससे भी अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्रोत के रूप में काम में लिया जा सकता है। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों का निर्णय। यूएनओ के अंग 6 अंग है, उनमें सुरक्षा परिषद द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा अगर कोई निर्णय लिया जाता है तो वो भी अंतर्राष्ट्रीय विधि में स्रोत के रूप में काम में लाया जा सकता है। जैसे अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कोई निर्णय ले लिया और
अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में के निर्णय ले लिया या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कोई निर्णय सलाहकारी मत दिया एग्जाम्पल, तो वो सलाहकारी मत मानने के लिए बाउंड नहीं है, लेकिन अगर उसमें विधि का बल हो तो राज्य सहमति से स्वेच्छा से इसका पालन कर सकते हैं, पर वो बाउंड नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये तो थे आर्टिकल 38 के सब क्लोज 1 में न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आर्टिकल 38 के 1 में थे। इसके बाद में आता है आर्टिकल 38 के सब क्लोज 2। ठीक है, 38 के सब क्लोज 2 में क्या आता है, एक्स इको इक बोनो, एक्स इको इको एक्स इको इट बोनो, एक्स इको इट बोनो का मतलब ये है कि न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अनुच्छेद 38 के सब क्लोज 1 में बताए गए स्रोतों को ही काम में ले, किसी समस्या का समाधान करने में ये आवश्यक नहीं है, इनका क्रमबद्ध रूप से पालन करे ये भी आवश्यक नहीं है। यानी न्यायालय क्या है, स्वतंत्र है कि पक्षकार स्वतंत्र है कि राज्य पक्षकार आपस में सहमति दे देते हैं, तो अनुच्छेद 38 के सक्लोज 1 में बताए गए स्रोतों के अलावा कोई अदर सोर्सेज है तो उसके द्वारा भी राज्य पक्षकार अपने विवाद को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से हल करवा सकते हैं। एक्स इको इट बोनो का मतलब है कि राज्य पक्षकार जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष जाते हैं अपने विवाद को सुलझाने के लिए या उसका निपटारा करने के लिए, तो वो बाउंड नहीं है कि अनुच्छेद 38 के सपोज 1 में ये जो स्रोत बताए हैं कि इनका ही इनके द्वारा ही वो अपनी समस्या का समाधान करवाए। अगर वो सहमत हैं, दोनों पार्टी सहमत हैं, तो वो अदर सोर्सेज के द्वारा भी या अदर सोर्सेज के माध्यम से भी अपने विवाद को हल करवा सकते हैं। तो ये प्रधान या मेन स्रोत में थे। गौण स्रोत में क्या आते हैं, इसको सिर्फ नाम याद करने हैं कि कई बार अंतर्राष्ट्रीय सौजन्य कि एक राज्य चाहता है कि दूसरा राज्य मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे, तो सामने वाला राज्य पक्षकार भी चाहेगा कि ये भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे। तो अंतर्राष्ट्रीय सौजन्य यानी दोनों दो या दो से अधिक एक दूसरे के प्रति जैसा व्यवहार करते हैं, वह ऐसा अपनाने की भी अपने प्रति अपनाए जाने की भी उपेक्षा करते हैं, उससे भी अंतर्राष्ट्रीय विधि का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट आता है राज्यों के पत्र कि वर्तमान समय में राजनयिक संबंध राज्यों के मध्य स्थापित हो चुके, तो एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य को भेजे गए जो पत्र होते हैं उनसे भी अंतर्राष्ट्रीय विधि का निर्माण होता है। थर्ड आता है राज्यों द्वारा अपने अधिकारियों को प्रेषित अनुदेश डायरेक्शन की समस्याएं ऐसी आ जाती है अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं, तो कोई भी राज्य जिसके समक्ष समस्या आई है वो अपने विधिक सलाहकारों से सलाह ले सकते हैं, लीगल सलाह ले सकते हैं। तो विधिक सलाह जब मांगने के लिए जब पत्र प्रेषित किया जाता है तो वो कोई जरूरी नहीं है कि अपने ही देश के विधि शास्त्रियों से सलाह मांगे, वो अन्य देश के विधि शास्त्रियों एक्सपर्ट जो होंगे उनसे भी सलाह मांग सकते हैं। तो उनके लिए भेजा गया अनुतोष क्या बन जाता है, अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्रोत बन जाता है। नेक्स्ट आता है तर्क रीजन, कोई भी काम बिना तर्क के बिना रीजन के नहीं किया जाता, अंतर्राष्ट्रीय विधि में तर्क का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। तर्क के आधार पर भी
अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान निकाला जाता है। नेक्स्ट लास्ट आता है साम्य और न्याय। अंतर्राष्ट्रीय विधि में जहाँ पर कोई नियम नहीं है, कोई प्रथा नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहाँ समस्या का समाधान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय साम्य की इक्विटी के आधार पर करेगा और न्याय को ध्यान में रखते हुए अपना डिसीजन लेगा। तो ये थे अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत क्या होते हैं, प्रमुख स्रोत कौन से हैं, गौण स्रोत कौन से हैं, वो होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ नहीं समझ आए तो प्लीज आप कमेंट कीजिए और हमसे पूछिए, हम समझाने की प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।